अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम दाल ली है और उसे एक घंटे के लिए भिगो दिया था और इसे एक कुकर में चढ़ा दिया है और इसमें 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून नमक डाल के इसे 2 सीटी दे लेंगे और ये दाल हमारी 2 सीटी में गल जाएगी। तो दाल गलने के बाद हम इसे एक तरफ रख देंगे और यहाँ इसमें जो सब्जियाँ पड़ेंगी वो बता दें आपको। तो हमने 2 बैंगन लिए हैं जो तकरीबन 100 ग्राम के करीब हैं, एक लौकी का पीस लिया है ये भी 100 ग्राम है, भिंडी 100 ग्राम ले ली है हमने और 3 बड़े टमाटर ले लिए हैं, एक छोटा कद्दू का पीस लिया है ये भी 100 ग्राम है और हमने यहाँ पर इमली ली है 60 ग्राम, इसको पानी में भिगो दिया है। अब देखते हैं, हमारी दाल गल गई है तो हम इसे एक और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और उसमें सारी सब्जियां एक एक करके मिला देंगे। तो पहले हमने लौकी डाल दी है, फिर बैंगन डाल दिए हैं, बैंगन के बाद हम इसमें कद्दू शामिल कर देंगे और बस अभी फ़िलहाल इसमें 3 ही सब्जियां पड़ेंगी और आगे का प्रोसेस आप देखते रहिएगा। अब इन तीनों सब्जियों को हम दाल में मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पे गलने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे धीमी आंच पे, तो ये सब्जियां सारी इस दाल में गल जाएंगी। तो जब सब्जियां आधी गली हो जाएंगी तब हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद उसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते के बाद हमें उसमें 1/4 टीस्पून हींग का पाउडर डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस पिंक कलर का रखना है और फिर इसमें हम भिंडी डाल देंगे जो हमने काट के रखी थी। तो ये भिंडी फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो लिसलिसापन होता है वो लिसलिसापन इससे चला जाए और भिंडी थोड़ी सी कुरकुरी सी हो जाए। वैसे तो ये सारी सब्जियां पानी वाली होती हैं तो जल्दी गल जाती हैं, लेकिन फिर भी 20-25 मिनट लग जाते हैं इसमें। इधर हमारी दाल आधी गली हो गई है और अब बारी आ गई, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें इतनी देर पकाएंगे कि वो आधी गली सब्जी और ये टमाटर और भिंडी सब पूरी तरह से गल जाए। तो पूरी तरह से गलने के लिए हमें 5 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे सांभर बनाना आसान नहीं है, इसमें पूरा 1 घंटे से ऊपर लग जाता है, लेकिन जब ये तैयार हो जाता है तो समझ लीजिए मेहनत वसूल हो जाती है। तो हमने आपको जो सांभर मसाला की रेसिपी दी थी ये वही सांभर मसाला है। तो अब इसे हम थोड़े से पानी में घोल लेंगे के बाद हम इसे सांभर में शामिल कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पकाएंगे हम। अब सांभर में सांभर मसाला शामिल होने के बाद जो खुशबू आ रही है वो अगर कोई ऑप्शन होता तो हम आपको ज़रूर सुंघाते। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस दिल जाने लगा है। और अब लास्ट में हम इसमें इमली का जो हमने पल्प निकाल के रखा था विद पानी, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे, तो इससे इसकी खटास बढ़ जाएगी। और इसमें आप नमक चख के देख लीजिएगा, थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि सब्जियां उसमें पहले नहीं पड़ी थी, तो नमक डाल दीजिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में हम इसका बघार लगा देंगे। तो बघार के लिए हमें चाहिए है 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई, थोड़े से करी पत्ते और 4 से 5 लाल मिर्च जिन्हें हमने तोड़ लिया था और अब हमें उसी फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे जिसमें हमने भिंडी और प्याज फ्राई की थी। तो अब तड़का तैयार हो चुका है और हम इसे बघार देंगे और अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे चाहे इसे खाएं, इडली के साथ, चावल के साथ या स्पून से, ये हर हाल में टेस्ट देता है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सांभर कैसा बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।